सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र कहें या लेंस में यू वी और एफ में संबंध क्या होता है? और एफ में संबंध यू हमारी क्या वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी। देखो डायग्राम बने उत्तल अवतल में, ठीक है। देखो अगर माने हम क्या माना सी यू यू क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या है सी आई है, इसको हमने ले लिया वी, ठीक है, और फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारी क्या है सी एफ स्मॉल एफ, ठीक है। अब देखो इनमें फॉर्मूला संबंध क्या होता है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, ये दोनों लेंस के लिए सेम रहेगा, ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो यही सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है, समझ आएगा, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है, सेम रहेगा, नोट कर लो। रेखीय आवर्धन, ठीक है, दर्पण में हमने पढ़ा था सेम वही चीज यहाँ पास भी है, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है, क्या होगी लेंस द्वारा बने, ठीक है, किसकी प्रतिबिंब, पहले क्या आएगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवर्धन इसको कहा है, इसे इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है आई आई डैश है बटे ओ ओ डैश, ठीक है, कुछ बुक में इसको वाई वन मान लेंगे, वाई टू मान लेंगे, या फिर एच वन मान लेंगे, एच टू मान लेंगे, ठीक है, तो बुक में अलग अलग लिखा मिलेगा, तो वो नहीं ज्यादा ध्यान देना, ओ ओ ओ ओ डैश वस्तु की ऊंचाई, आई आई डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है, क्या होता है वी अपॉन यू, ठीक है, क्या वी अपॉन यू, तीन फॉर्मूले जो हमें न्यूमेरिकल लगाते टाइम यूज होंगे, ध्यान से देख लेना, एम बराबर एक आई आई डैश हमारा, ठीक, दूसरा ओ डैश, तीसरा हमारा क्या आ जाएगा एम बराबर वी अपॉन यू, ये संबंध होता है, ठीक है, तीसरा हमारा ये वाला फॉर्मूला कौन सा आई आई डैश बटे ओ डैश बराबर वी अपॉन यू, ठीक है, दर्पण में माइनस होता है यहाँ पास, इसमें प्लस का है, ठीक है, तो दोनों में जो सूत्र में डिफरेंस है ध्यान रखना, ठीक है, इसे रेखीय आवर्धन